हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपको दो सेप के हम लोग आज कस्टमर घर बाहर आए हैं रिपेयर के लिए और इस टीवी का प्रॉब्लम को दिखाते हैं चालू करके। देख सकते हो दोस्तों, पावर को ऑन कर लिए हैं, यही प्रॉब्लम है इस टीवी का, इसे हम लोग रिपेयर करके दिखाएंगे। और यहाँ प्रॉब्लम आए हैं वहाँ योक कॉइल का है, तो योक कॉइल को सबसे पहले खोल कर देखेंगे। और हमारा टीम संगम इलेक्ट्रॉनिक का आया हुआ है, देख सकते हो दोस्तों, यह 14 इंच का सीआरटी टीवी है। तो हम आप लोगों को इसके योक कॉइल को खोल कर दिखाएंगे। इसके योक कॉइल को खोल कर दिखा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो, इसी प्रकार हम लोग रिपेयर करते हैं दोस्तों, घर पहुँच सेवा देते हैं। इसके कॉइल को खोल लिया है, इस योक कॉइल का वायर टूटा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो, यहाँ पर जोड़ने के बाद भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग दूसरे योक कॉइल लगा कर दिखाएंगे, देख सकते हो, योक कॉइल को लगा रहे हैं। हमारे संगम इलेक्ट्रॉनिक का टीम मदद कर रहे हैं योक कॉइल लगाने में। उसके बाद उसके सेटिंग को भी लगा रहा है। इसी प्रकार हम लोग छोटे छोटे फॉल्ट का वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि हम लोग एक एक फॉल्ट का वीडियो लाते रहते हैं, देख सकते हो। और इस टीवी को चालू करके आप लोगों को दिखाएंगे। अभी कनेक्शन कर रहे हैं, अब बेस को लगाएंगे। उसके बाद टीवी स्क्रीन को दिखाएंगे सही होता है कि नहीं। आपको पता रहता है दोस्तों, यह जो प्रॉब्लम आया है वहाँ योक कॉइल का है। इसके कॉइल को फिट कर लिए हैं, अब पावर देकर देखेंगे। देख सकते हो, पावर को ऑन कर लिए हैं और टीवी स्क्रीन को देखेंगे। देख सकते हो दोस्तों, टीवी ठीक हो गया है। इसमें जो प्रॉब्लम था योक कॉइल का वहाँ ठीक हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो चलाकर नहीं दिखा पाऊँगा। अगर आपके टीवी में इस तरह का फॉल्ट आते हैं तो आप लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हो, और इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है।